Hello and good evening to all of you. Rizwan Heather emotionally welcome you in this video with this hope that wherever you are, you must be fine and shine. So, Pakistan match to har gaya hai, aapko pata hi hai, 79 runs se. Itna kam margin bhi nahi hai. Beech mein interest absolutely develop hua tha cricket fans ka. Lekin natija Pakistan ke hak mein nahi aaya. हफीज जो कि आप पाकिस्तान की टीम के कोच भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, करता धरता वही हैं वहां पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की निस्बत अच्छा खेली है. पूरे मैच का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान ज्यादा बेहतर खेली है. तो देखिए, अगर ज्यादा बेहतर खेली होती तो जीत जाती. सादा सा जवाब ये है कि अगर आपकी टीम ज्यादा अच्छा खेली होती तो जीत जाती. फिर अंपायरिंग की बात की है और अंपायरिंग पे खैर हमने भी वो पॉइंट खास करके मौसम साहब ने बहुत पिछले दो तीन दिन से वो पॉइंट तो रेज किया ही है अंपायर कॉल का लेके. अब उसका आई डोंट नो कि क्या हल है, क्या नतीजा. कभी वो आपके हक में जाती है, कभी आपके अगेंस्ट जाती है, लेकिन हक में कम कम ही जाती है. ये बात तो अब साबित शुदा ही है. बाकी टेक्नोलॉजी को भी लताड़ा है कि टेक्नोलॉजी खराब कर रही है क्रिकेट को, दिस एंड दैट. तो थोड़े से एक्सक्यूजेस भी बनाए हैं, इस पे जरा गुफ्तगू होगी. और पाकिस्तान क्या कुछ हटके करे कि अब अगला मैच है उसमें कि ये जो सिलसिला है शर्मनाक हारों का, ये रुकने को नहीं आ रहा. थोड़ा सा करीब हम आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि वही अब किस्मत में लिखा जा चुका है कि ऑस्ट्रेलिया से आपकी हार पक्की है, तय है. न्यूजीलैंड भी 16 मैच तो हम उनका रिकॉर्ड भी पार करने के करीब पहुंच गए हैं. नेक्स्ट मैच में अगर पाकिस्तान ने ये सिलसिला नहीं रोका तो ये सिलसिला 17 मैचों तक चला जाएगा. तो ऐसा क्या करे पाकिस्तान अगले मैच में कि कुछ ना कुछ कोई उम्मीद क्या लगा सकते हैं. इस तरह की अच्छी फाइट किया पाकिस्तान ने, ये फाइट को क्या वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस में बदल सकते हैं अगले मैच में कि नहीं, इस पर जरा गुफ्तगू रहेगी. जी मोहसिन अली साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. बड़ा आसान है जनाब के, बिल्कुल आसान है कि आप उन्हें लिख के दे दें कि हमारी टीम क्योंकि अच्छा खेलती है, जबानी कलामी, हम ग्राउंड में नहीं खेलेंगे, दैट्स इट. और आप इस बदनामी से और इस शर्मिंदगी से, इस बेहयाई से, इस कमीनेपन से, इस ढिटाई से, भला झूठ बोलो तो ऐसे बोलो कि सच का गुमान हो भाई. दिस अच्छा, एक तो अंग्रेजी भी मेरी तरह बेचारे की बहुत ही कोई आला से डाउन लेवल की है भाई. मतलब टेक्नोलॉजी कर्स है, अंपायरिंग एंड वी प्लेड बेटर क्रिकेट. मतलब आप यार किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको आप नामकूल नाहंजार नॉनसेंस टीवी में बैठ के अभी वर्ल्ड कप पे इसके वीडियोस निकाले. ऐसे बढ़ा बढ़ा करता था ये कि जिसकी दानी 37 अंडे है, 37 डक्स, सिटिंग डक था ये, और गेल स्टाइन का बच्चा था ये, बेटे की तरह जैसे फीडर बुलाते हैं ना, ऐसे गेल स्टाइन इसको फीडर बुलाता था. ये आपका कोच है, ये आपका डायरेक्टर है, कर्फ्यू लगाया हुआ बाकियों के लिए, खुद बीवी को लेके पूरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के माल पे घूम रहा है. और मेरा भाई अंपायर्स कॉल तो हम कहते रहे है. मुझे ये बताएं इमामुल हक, रिजवान हैदर इमामुल हक, जिसकी सेना कंट्रीज में किसी में 24, किसी में 16, किसी में 14, किसी में 12, सबसे अच्छी साउथ अफ्रीका में है 24. एक बदतरीन स्टैंड पैडर है, एक बदतरीन जिसकी क्या कहते हैं फिटनेस लेवल है, टमी उसकी देखें तो लगता है गुमान होता है किसी वक्त भी. और मुझे ये बताएं दुनिया में क्रिकेट में ये आईसीसी को इसमें एक्शन लेना चाहिए. इसने तो सीधा सीधा भला लड़के अच्छा खेले हैं, आईसीसी हमारे साथ खेला है, ये तो इसने बगैर प्रूफ्स के सारा का सारा मलबा आईसीसी पे डाल दिया. मतलब बेहया, बेशरम, बे, इसको इतनी हया नहीं, इतनी गैरत नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला
ना आपकी कोई इंटेंट थी, ना आपकी कोई इंटेंशंस थी, ना आपकी कोई ग्रिट थी, ये तो आप देखे खुदाइयों जिसे कहते हैं ना ऊपर वाले ने आप पे कर्म, ना इसने ये कहा कि जी वी शुड हैव कैप्ट ऑफ सीज़न अंडर चेक आफ्टर 16 रन पे 4 आउट हो गए, फिर इसको कहना चाहिए था कि हमारी जो फील्डिंग है दैट लेट अस डाउन, फिर इसको कहना चाहिए था जो हमारी बॉलिंग है इट वॉज अनएक्सपीरियंस्ड और हमने यहाँ पे कुछ लोगों को चांस दिया है, कुछ का कम बैक हुआ है और कोशिश की है, we fought well, but at the end the opponents were too good for us, but we will try to come back. ये होता है जवाब। फिर आपको मानना चाहिए था कि आपका कोई तजर्बा नहीं है, you are zero. जब when it का अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपने 4 लेवल के कोर्स भी मिसबा के भी 2 ही थे, वो भी जल्दी जल्दी करा के उसको कोच बना दिया, डायरेक्टर चीफ सिलेक्टर और वो भी बना दिया, बैटिंग कंसल्टेंट भी मान लिया, लेकिन रिजवान हैदर इस बंदे का तो टेस्ट में इतना माठा रिकॉर्ड है, और फिर जब जा रहा था तो ये कह रहा था कि हम आपको नजर आएगा कि एग्रेसिव क्रिकेट क्या होती है, ये अपने आप को बेसबॉल समझ रहा है कि जनाब बेन स्टोक्स और पीछे जो है वो ब्रैंडन मैकलम है, ये किसको बेवकूफ बना रहा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बना सकता है, ये किसी को, और आप यकीन करें अभी तो इसकी खुशकिस्मती है ये दोस्ती यारी, इससे बड़ा मुनाफिक, इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा टू फेस डबल फेस जो बंदा खेलते हुए कहता था मैं आमिर के साथ नहीं खेलूंगा फिर खेला, जो बंदा कहता था एक प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए, सबसे पहला ऑन रिकॉर्ड है इसने टेलीफोन किया मोहम्मद आमिर को खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, यार आप मुझे ये बताएं सारे पाकिस्तानी और सारे और जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, रिजवान हैदर साहब मोहम्मद हफीज की कहीं आपको सिवाय बीचेस पे, गोवा वाले बीच पे, सिडनी वाले हार्बर पे, फलाने हार्बर पे कहीं आपको मोहम्मद हफीज, शान मसूद की तो चले मान लेते हैं बैटिंग ठीक कर गया दोनों इनिंग्स में, जहां आउट होना था नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे हफीज का कोई एक सिवाय कोई ऐसा दुनिया क्रिकेट में कोच नहीं उतरा होगा जिसने ये कहा हो कि टेक्नोलॉजी ने जो है वो हुआ, और जिस टीम ने आपको चारों खाने चित किया उस टीम को आप कह रहे हैं कि वी प्लेड बेटर क्रिकेट, हाउ एंड व्हेन। इंदर सैनी कह रही ना रिजवान में मौसम भाई टोटल चेज हो जाना था, प्लानिंग से खेलते, प्लानिंग से तो बहुत से काम करते तो हम मैच जीत जाते, प्लानिंग से ही तो काम नहीं होते, बस ऐसे ही होते हैं, प्लानिंग अगर अच्छी होती तो शायद कि इतना ज्यादा हमें टारगेट ही ना मिलता, 317 हमारी हैसियत और औकात से बाहर का टोटल है, हम 235-40-50 मैक्सिमम हमारी रीच है, तो प्लानिंग अगर अच्छी होती तो यहाँ तक काम पहुंचता ही नहीं, बाकी बस इसी में हम खुश हैं, इसी में तारीफ कर रहे हैं कि मुकाबला अच्छा किया इन्होंने, हाँ वो अच्छा किया मुकाबला, मैच हार गए हैं वो एक अलग डिबेट है, मुकाबला अच्छा किया बस इसी में ही, हमारी किस्मत में यही है कहना, मुकाबला अच्छा किया है, लड़ाई अच्छी की है, मैच हार गए, कभी पता नहीं ये कहना कब नसीब होगा कि मुकाबला अच्छा किया है, फाइट भी अच्छी की है और मैच भी जीता है, ये पता नहीं अब कब है किस्मत में कहना। स्टीवन डिसूजा कह रहे हैं जनाब रिजवान मोहसिन भाई आई ऑनेस्टली थिंक पासन शोड द बेस्ट फाइट व्हेन कंपेयर्ड द लास्ट फ्यू इयर्स, होपफुली इट विल बी अ विन इन द नेक्स्ट वीक, एब्सोल्युटली ये बात तो एक तय है भाई, इस मैच में जो फाइट दिखाई है वो पिछले कई सालों में पाकिस्तान जब जब भी ऑस्ट्रेलिया गया ऐसी फाइट नहीं दिखा पाए, ये एक हकीकत है, जहां पे जो बात सच है वही बात करनी चाहिए, और इस पाकिस्तान की टीम ने हालांकि ज्यादातर यंगस्टर्स पे बेस है और कप्तान भी पहला उसकी सीरीज है, तो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान इस मैच में ये तासुर देने में कामयाब रहा है कि ये जीत भी सकते हैं, ऐसा बहुत कम पाकिस्तान तासुर देने में कामयाब होता है कि जब जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है ज्यादातर तो एक एक इनिंग से हार जाते हैं, तो ये जो तासुर इन्होंने दिया है
यानी एक्सपेक्टेशन सॉर्ट ऑफ जो फीलिंग आई है फैंस को पाकिस्तान के कि हाँ शायद कि हम वो काम कर सकते हैं जो हमने 28 साल से नहीं किया और हम जीत सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट मैच, तो वो फीलिंग बिल्कुल आई है इस मैच में और दो चार मकामात पे आई है, बिल्कुल आई है, तो इसका आप क्रेडिट दे सकते हैं टीम को। लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए ना, अब हम सिर्फ इतनी ही तारीफ करके खुश होते रहेंगे या कभी बोलेंगे कि भाई हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है और जीत भी गई है, ये वाली बात अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए। बाकी आपकी बात सही है, पाकिस्तान ने मुकाबला अच्छा किया है, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा मुकाबला कर पाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया का। फॉर सक्सेस इन सेना वी नीड हाई लेवल ऑफ फिटनेस, एब्सोल्युटली फिटनेस भी, टेम्परामेंट, स्किल सेट, सारी चीजें आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। आई एम सो सैड, जगराज सिंह साहब कह रहे हैं मैच को लेके सैड है या कोई और मसला टेंशन न्यू ईयर नाइट के हवाले से सैड है? किसके हवाले से? न्यू ईयर नाइट, न्यू ईयर नाइट तो अभी तो है ना, एक दिन ही रह गया ना भाई जान, बंदा लपड़े टाइम लग जाता है सैड ने के कोई नहीं मिल रही। जगराल सिंह साहब इफ यू आर सैड रिगार्डिंग के वाले से कह रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट ऑब्वियसली, इसमें अब बात तो ठीक ही है। अगर आप चाह रहे थे पाकिस्तान जीते और नहीं जीता, जो टीम आप चाह रहे होते हैं जीते नहीं जीते तो फिर जाहिर है सैडनेस तो आती है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ अच्छा करें अगले मैच में। अब दे हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू पुट एन एंड ऑन दिस वेरी वेरी एम्बैरेसिंग स्ट्रीक ऑफ लूजिंग 16 मैचेस स्ट्रेट मैचेस। तो हम दुआ करते हैं आपकी उदासी जरा दूर हो जाए, और अगर दूसरे वाली उदासी है जो मौसम भाई कह रहे हैं वो भी दूर हो जाए। मेहुल शाह कह रहे हैं थैंक गॉड हफीज डिडंट ब्लेम मैच फिक्सिंग फॉर लॉस। मैच फिक्सिंग के अभी वो ही रहा, बाकी देखो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। अब ये बात करने की जरूरत नहीं थी कि जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा खेला, तो ज्यादा अच्छा खेला तो जीत जाता, तो ज्यादा अच्छा खेला तो आप हारे क्यों है, सिंपल इज दिस। तो अल्फाज अच्छे होने चाहिए थे कि ठीक है जी हम मैच हार गए हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बोला बीच में कई ऐसी मोमेंट्स थी जिसमें हमें फीलिंग आई कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, लेकिन हमने अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब नहीं की और हम ग्रिप जो मैच में जो हमने थोड़ी सी बनाई थी वो हम लूज करते रहे और ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू विन। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम, वी विल ट्राई टू कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट मैच, दैट्स इट। जी हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा खेले हैं दोनों टीमों के कंपेरिजन से, टीम ऑस्ट्रेलिया की 79 रन से जीत गई, सीरीज वो जीत गई, तो ये बेतुकी बात है, इसका कोई असर नहीं है। कैच आपने छोड़ा तो नहीं छोड़ना था, अब आप ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं कहा था कैच छोड़ दें, आप पकड़ लेते कैच, ऊपर वाले आपके ओपनर रन डाल देते हैं इसमें, अभी 50-50 कोई 50 कर देते, बाबर आजम कर देता 100 रन तो आप अच्छा खेल लेते, उनका तो वो 96 कर गया है और इतने अच्छे पावरफुल तरीके से कर गया, कैरी भी अरसा दराज से नहीं चल रहा था वो भी 50 ऐड कर गया, क्रूशियल आपने नहीं किए। हफीज इज ट्राइंग टू हाइड देयर मिस्टेक बाय ब्लेमिंग अदर लाइक मिक्की, पाकिस्तानी फाइट्स वेल बट दे हैव टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स टू इंप्रूव इन द फ्यूचर। विनीत जी भाई ये देखिए ना, ये वही बात है रिजवान हैदर के, रादर देन बीइंग अपोलोजेटिक रादर बीइंग realistic and accept failures and we were short in this areas, team from playing 11 to field placement from batting, it didn't say a single word on that, ek lafz nahi kaha ke apni behayai beshermi ko chupane ke liye, aisa besharam aadmi hai yaar, ye bande mein koi ghairat hoti hai koi haya hoti hai par wo kya hoti hai इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, ये बहुत ही बेशरम लोग हैं। आप अंदाजा लगाएं, कहते हैं जी शानू साहब भी फरमाते हैं वी लर्न पॉजिटिव्स, क्या लर्न किया जी भाईजान, आप पिंडी में भी इतने ही करीब थे रिजवान हैदर, जब हम टी का शो करने बाहर गए 80-85 रन रहते थे, 5 विकेट थी आपके पास,
इंग्लैंड के खिलाफ हम वो भी हार गए, क्लोज तो चले ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, मानने वाली बात है, कुछ 7 साल बाद 8 साल बाद हम करीब पहुंचे हैं असद शफीक के बाद। लेकिन रिजवान जो सच बात है वो कोई नहीं कर रहा, जो असल बात है वो कोई नहीं कर रहा। सच बात ये है 124 से एक से हम जलीलो खार हुए, वो भी हमें बचा गया शाहीन आमिर जमाल और थोड़ा सा रिजवान। ओके हम 200 उस तक पहुंचे और 54 रन की हमने लीड कंसीड की। उसके बाद रिजवान हैदर साहब 264 तक पहुंचे। दूसरी इनिंग में रिजवान साहब 16 रन पे 4 आउट हो गए। रिजवान हैदर साहब कैच आपने 20 पे उसका छोड़ा 46 पे, उसके बाद 25 पे अंपायर ने उसको अंपायर कॉल हो गई, उसने नो स्ट्रोक ऑफर्ड। उसके बाद स्मिथ का जी कैच थोड़ा आगे पड़ गया, स्मिथ का LBW अंपायर कॉल हो गई, फिर गिरते पड़ते आपने उनकी टेल से भी ठुकवा ठुकवू के टोटल आप उनको 262 और ओवरऑल आप 317 रन तक रिजवान हैदर साहब वो बड़े आराम से पहुंच गए। हमें टारगेट दिया 316, किसी ने इस पे बात की। फिर इमामुल हक जो है वो जैसे हफीज था सारा कंट्रीज में, वैसे ही इमामुल हक है, ना सिर्फ खुद इंतहाई घटिया क्रिकेट खेलता है, रन आउट करवाने की पूरी कोशिश करता है, दूसरे पे पूरा प्रेशर डालता है, दंडियां निकालता है, कोई फिटनेस लेवल नहीं है और उस पर कोई बात नहीं हुई। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक के भाई एक इनिंग में आप स्कोर करेंगे, गली के बच्चे से कहे वो भी कहेगा दूसरी इनिंग में नहीं होगा। आप ये देख बाबर आजम के ऊपर कोई बात नहीं की। भाईजान मैं क्या करूं ऐसा ICC का नंबर वन बैट्समैन जिसकी पिछले 3-4 साल में सिवाय नेपाल का है और एक घर में कराची में 196 कोई परफॉर्मेंस नहीं, एशिया कप सारा खराब, दोनों वर्ल्ड T20 खराब, दोनों वर्ल्ड कप पूरे का पूरा वर्ण गया। मैं क्या करूं ऐसे बाबर आजम को क्या करूं। आज ही वो जनाब वन ऑफ द फाइनेस्ट और हमारे कराची का सुपर मैरियो साउथ शकील है भाई जन, 20 पे आउट नहीं होता तो भाई मैं 20 को क्या करूं। टॉप ऑर्डर नंबर 5 रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी टीम में, 5 नंबर जो होता है बैकबोन होता है। मुझे बताएं कि ये इस तरह खेलते हैं, कोई बात नहीं हो रही। आज चले जी आगा सलमान साहब ने आपने एक पूरा बॉलर काम खिलाया, दूसरी इनिंग में 50 किया, अपनी जगह अगली टेस्ट में पक्की की, चलते बने। आप मुझे एक कोई प्लेयर बता दें, हसन अली ने बीट जरूर किया, बल्ले से उसकी कंट्रीब्यूशन 0, बार डांस सिखा रहा है, अबे इसको एक्टिंग क्लासेस में भेजे। फिर लोग कहते जी आप कहते हैं यार ये, मुझे कोई एक शान मसूद के माना 110-11 रन आ गए, लेकिन रिजवान जहां वो दोनों इनिंग्सों में आउट हुआ ठीक है, ग्रिड दिखाई अंगर दिखाई, कप्तान का क्या काम है। कोई एक प्लेयर मुझे आप बता दें जो पाकिस्तान के लिए खेला, जो टीम के लिए खेला, सारे के सारे अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते हैं। जी विनीत जी, पाकिस्तान फॉट वेल बट दे हैव टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। एब्सोल्युटली फील्डिंग में बहुत फोकस करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को 3 घंटे रोज, ये सुबह शाम जिसे दवाई खिलाते हैं सुबह दोपहर शाम, उसको ये कैचिंग की प्रैक्टिस करवाए, बोलेंगे भाई ये तेरी दवाई है तू ये खा। फील्डिंग कॉस्ट करगी पाकिस्तान को, फील्डिंग इतनी वाइटल है, इसका रोल इतना ज्यादा है क्रिकेट में कि अल्फाज में शायद डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। और फील्डिंग में खास करके कैचिंग, और कैचिंग में भी स्लिप कैचिंग बहुत ही अहमियत की हामिल है और हमने उसका मुजाहरा देख लिया। नटशेल वो जो कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप, वो पार्टनरशिप इतनी लंबी लगी है बस, फिर के बस कहां ये
180 200 के करीब टारगेट मिलता मोस्ट लाइकली, कहा वो 325। तो सीखें कुछ अगले मैच में, अच्छा करना पड़ेगा तो, करना चाहते हैं तो। I really wanted Pakistan to win. जी जगराल सिंह सर, मैं आपके मैसेज समझ गया था, you are sad because you really wanted Pakistan to win. And ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी। देखिए बहुत लंबी एक लिस्ट बनती जा रही है ना मैचेस की, 16 मैचेस मुसलसल, तो बहुत शर्मिंदगी के बायस है ये वाली जो बात, 16 मैचेस मुसलसल हारते जा रहे हैं, उसमें फुल स्टॉप लग सकता था कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आज एक दो से आ जाती। बाबर आजम कोई 80-90 रन कर देता, 100 कर देता, रिजवान अच्छा खेल रहा था वो कोई 70-80 पे ले जाता, ऊपर वाले ओपनर कोई थोड़ा शर्म हया का मुजाहरा करते, कुछ भी हो सकता था, लेकिन खैर जो हुआ वो आपने देखा, तो यू आर सैड सो वी कैन अंडरस्टैंड। Divided by borders, united by Kaif and Hafiz. Rohan Verma. Kaif ने क्या कहा है? Kaif ने भी कहा हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, कोई मसला नहीं है, हारती है तो क्या हुआ, हम आईसीसी नंबर वन है। अच्छा तो बहुत अच्छा खेली है तो एक इनिंग से हार गई है जी हाँ। और उधर इधर एक अपडेट दे दें, नेपाल के जो लेमिशेने है लेग स्पिनर, उन्हें बकायदा कोर्ट ने कन्विट कर लिया, वही जो उन्होंने एक रेप किया था। बस देखें मैं एक बात जानता हूं, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो, अगर पाकिस्तान में भी ये इंजमाम वगैरह, ये वसीम अकरम वगैरह जब पकड़े गए थे या मैरियट में, कोई इन्हें निशाने बरत बनाते, इनकी बहुत आग लगी है, इनके वहां भी चौक में इनके जहां इन्होंने ये किया छोटी बच्ची के साथ, वहां पे इनका वही काम किया जाए और इन्हें निशाने इबरत, ताकि कोई किसी माँ बहन बेटी के साथ ये करने की जुरत ना कर सके। निशाने इबरत बनाए ऐसे लोगों को जो ये क्या कहते हैं हिवस के पुजारी है, क्रिकेटर है तू, तू ये फेस है नेपाल की, तू तू दुनिया भर में ये मैसेज दे रहा है कि क्रिकेटर टॉप का जो है वो गैंग मतलब छोटी बच्ची के रेप में बेशरम बेहया, कसम से मैं आपको कहता हूं इसको निशाने इबरत, इसका काट के जो इसने किया वही रोड में फेंके इसको, ताकि कोई बेगैरत ऐसा काम दोबारा ना कर सके। डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, डिवाइडेड बाय कैफ एंड हफीज। तो फिर अगर कैफ भी इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा तो फजूल स्टेटमेंट दे रहा ना कि हम टीम बड़ी अच्छी है, हम पर नंबर वन पे है, ये है वो है, तो फिर वैसा परफॉर्म भी करो, एक इनिंग से हारने वाली तो शर्मिंदगी वाली बात, ये तो वैसे ही है जैसे हफीज कह रहे जी खेले हम अच्छा जीत वो गए, मतलब ये तो मजाक ही हो गया, खेली हमारी टीम अच्छा है जीत ऑस्ट्रेलिया गया। तो अगर कैफ में भी, मैंने तो कुछ सुना नहीं है, अभी मौसम में बता रहे हैं, जैसा उसने अगर ऐसा कहा कि जी खेले हम बहुत अच्छे हैं वैसे हार गए, तो फिर वो भी कमा लिया भाई, तो खेले तुम अच्छा होते तो जीत जाते। वो कह रहा है हमारी टीम इन रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम आईसीसी में नंबर वन है, बस ऐसे रिजल्ट आते रहे तो वो नंबर वन का जो है वो भी फिर डाउन हो जाएगा काम। साउथ अफ्रीका की हल्की टीम है, पिछले 10-15 साल में इतनी हल्की टीम साउथ अफ्रीका की है ही नहीं, उससे एक इनिंग से हार गए हैं, तो एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कहने की के जी बहुत गंदा मैच हारे हैं, अगले मैच में शायद की कमबैक कर लें, उल्टा ये जो डिफेंड करने में लग जाते हैं, नहीं जी टीम तो हमारी बड़ी टॉप पे है, पहले नंबर पे है, 5 मैच मुसलसल तो इंडिया भी हार गया सेना कंट्री में, तो वहां पे भी अब वो वाली बात नहीं रही जब से विराट कोहली कप्तान हटा है, बल्कि ये भी मैंने बात की भी है उसके साथ, मैं आकाश के साथ स्पोर्ट्स आवर में आया था लाइव, तो ये भी डिस्कशन चल रही थी कि विराट कोहली एज अ कैप्टन और रोहित शर्मा, तो मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही आप बाबर आजम और कोहली को जैसे आप कंपेयर करते हो, वही बात है वहां पे भी, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो स्पोर्ट्स आवर में, आज शाम को मैं आया था, आधे घंटे का वीडियो है, इफ यू वो लाइक तो यू कैन गो देयर एंड वॉच। तो रोहन वर्मा साहब अब ऐसी फनी बात पे क्या किया जाए, हंसा ही जा सकता है। समीर कह रहे हैं सलाम रिजवान भाई, मौसम भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी, पीसीबी इज द किंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जोकर्स, नॉनसेंस टॉकर्स,
वर्ल्ड नंबर वन क्रिकेट बोर्ड, माशाल्लाह नजर ना लगे इन्हें। नहीं, हम तो वैसे नंबर वन नहीं है, नंबर वन तो आप हैं, लेकिन बात ठीक है, कोई इंसान बात तो लॉजिकल करे यार। अब ये डज इट मेक सेंस दैट वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन ऑस्ट्रेलिया बट वी लॉस्ट? Had you played better cricket, you would have been on the winning side. Simple as this. बाकी टेक्नोलॉजी वाली जो बात है या अंपायरिंग की जो बात है, तो वो तो एक खैर अब डिबेट इनिशिएट होनी ही चाहिए। अंपायर्स एक दफा आउट देगा तो आउट होगा, एक दफा नॉट आउट देगा तो नॉट आउट होगा। एक ही गेंद को, एक ही गेंद स्टंप्स के उसी जगह पे लग रही है। अगर अंपायर आउट दे देगा तो आउट होगा, अगर अंपायर नॉट आउट देगा तो नॉट आउट होगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप किसी न्यूट्रल को बताएं क्रिकेट का ये रूल है, वो कहेगा भाई डज इट इवन मेक सेंस? एक गेंद उसी परसेंटेज से उसी जगह पे स्टंप पे लग रही है, तो अंपायर अगर दे रहा है आउट तो आउट कहलाया जाएगा रिव्यू में जाते हुए। वही गेंद उसी जगह पे 100% वैसे ही लगा है और अंपायर ने अगर नॉट आउट दिया है तो वो बेशक अगली टीम रिव्यू में भी जाए तो वो नॉट आउट रहेगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है। ये अक्सर वैसे अपनी टीमों के खिलाफ ही जाता है और इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। सर माय बेस्ट टीम पाकिस्तान ब्रोक माय हार्ट, सिल सपोर्ट पाकिस्तान। जी अंकित पटेल साहब, दिल तो चकनाचूर हो गया है, चकनाचूर हो गया है। और अब देखो अगर थोड़ा जुड़ जाए अगले मैच में, जिसकी उम्मीद तो खैर आपको पता ही है कितनी है। व्हाई इज बाबर आजम फेलिंग? व्हाट्स योर ओपिनियन? ही इज माय फेवरेट प्लेयर बट डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस। स्टीवन डिसूजा साहब, जी क्यों फेल हो रहा है जी बाबर आजम? रिजवान साहब, ये देखें, जो आप ओवर हाइप्ड करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा आप फूंक भरते हैं, टेक्निकली और ईमानदारी की बात तो ये है कि बाबर आजम ने कोई भी, वो एक ऑस्ट्रेलिया 178 सेना कंट्री, आपकी जगह पे लोग कहा करें, लोग समझते हैं कि मैं करता हूँ ये। आप बोलते हैं आप जो फूंक भरते हैं, ओ यार आप से मुराद होता है तो आप मुझे, आप कहा करें लिसनर्स होता है ना आप, आपसे मुराद ये नहीं होता रिजवान हैदर उसका। अच्छा जी, पाकिस्तानी लोग या कुछ जो लोग हैं वो इसको देखे, कहीं ना कहीं होता है ना, आप मुकाबले की फजा होती है, वहां कोहली है, रोहित है, फलाना है, फलाना है, तो अब आपके पास कोई भी नहीं है, छोली छोलियां है आपके पास और गोली पिल्ले हैं आपके पास, सारे बंटे हैं, कंचे हैं, तो आपने बाबर आजम को एक ब्रांड बना के पेश किया। अच्छा, सम आओ इंडियंस ने कबूल भी कर लिया, कबूल कर लिया, कंपैरिजन जो हुआ कोई माने या ना माने कर लिया, इसीलिए बाबर की बचती भी ज्यादा है, बेपना बचती है उसकी, कबूल कर। हालांकि उसने कभी नहीं कहा कि मैं विराट हूं या मैं रोहित हूं या मैं ये हूं, लेकिन कबूल किया गया। फिर कुछ हमारे यहां से इसको बना चढ़ा के कुछ ने, और कुछ ने जब देख लिया कि अब लोहा गर्म है तो दबा के बाबर, आज भी बाबर बाबर है। हालांकि अब शान मसूद कप्तान है। एनीवेज, बाबर आजम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है जो मैं समझता हूं, पता नहीं बाकियों का, वो ये है रिजवान हैदर साहब, ही इज अ सेल्फिश प्लेयर। जब आप सेल्फिश होते हैं आपको कभी कभी कामयाबी नहीं मिलती, जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा इशू है, नीदरलैंड, नेपाल, खटमंडू, फलाना टनाना, मतलब बदतरीन हल्की टीमों के साथ खेलता रहा। कभी आपने विराट और रोहित को हल्की टीमों के खिलाफ खेलते देखा? बात यह, जब आप हल्की टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड, वो कहते हैं अंधों में काला राजा, अपने जैसों में खेलता रहा, जैसे ही कोई तगड़ा देखे, जिस तरह ये दो दफा आज बोल्ड हुआ है, पहले कमिंस और हेजलवुड, किसी क्रिकेटर जिसको, जो फने खान हो, जो बड़ा बैट्समैन हो, उससे पूछ ले बैट और इसके उसमें जो गैप है, वो पीछे फट डिलीवरी थी या वो गैप है जो, देखे रिजवान होता है ये, ऑर्डिनरी जो बॉलर होता है ना, आप लेट भी होते हैं ना, जैसे हार्दिक पांड्या ने इसको बोल्ड किया, आप लेट भी होते हैं ना,
ऑर्डिनरी बॉलर की बॉल पहुंचते पहुंचते वो आपके बैट पे आ ही जाती है, लेकिन जब आप टॉप क्लास के खिलाफ उतरते हैं तो भाईजान आप एक सेकंड की देरी जो है वो किले आपके खड़का देती है। जी स्टीवेंट सूसा साहब, परफॉर्मेंस अब इसकी वैसी नहीं है जैसी आनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, और कोई मेंटल ब्लॉकेट आ गया है, अंडर प्रेशर आ गया है, या जो भी वजह है। अब मैं टेक्निक तो बताने से रहा बाबर आजम को, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले कई मैचेस में वो जिस तरह बोल्ड हुआ है, बैट और पैड के बीच में गैप बन जाता है और इन स्विंग गेंद आती है वो वहां से बोल्ड कर देती है। तो इस पे उसी कोई टेक्निक अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, वट एवर ही हैज टू डू, कि वो गैप ना बने। बाकी अब जाहिर है कि उसको बल्ला पकड़ के हम तो सिखाने से रहे। रिज भाई, मोहसिन भाई, अंपायर का डिसीजन इधर उधर हो सकता है, बट अच्छा तो कोई अंपायर को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और अच्छा तो खेलो, सही बात है। देखें अंपायर को, जाहिर है पंकज यादव साहब, आप अगर इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे कि जी ये इधर से इधर हो गया, अब अंपायर का हल्का फुल्का इधर चला गया डिसीजन ऐसा वैसा, तो ये दिस इज नॉट द बेस्ट वे फॉरवर्ड। अब हमने भी अंपायर को रगड़ा, लेकिन ये नहीं कहा अंपायर की वजह से हम ये मैच हार गए, अंपायर ने हमारे हाथ बांध दिए थे, ये नहीं कहा। अंकित शर्मा इज सेइंग, so do you think Hafiz even has any respect from the team, as he was an ordinary player and his record is versus is extremely poor, but dekho bahut acha sawal hai ye, dekhiye hona aisa chahiye ki pehle to inko level 4 coaching ka jiske paas experience ho usko lagana chahiye। coaching ek alada field hai, cricket khelna ek alada baat hai। duniya mein kai aise coach guzre hain jinka international रिकॉर्ड ना होने के बराबर है, लेकिन एक दो मैचेस खेलने वाले भी हैं, बगैर खेलने वाले भी हैं, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा है उनका। अब हफीज थोड़ा सा अगर कोचिंग में एक्सपीरियंस लेके आते तो ज्यादा अच्छी बात थी, अब डायरेक्ट इसी तरह ही डाल दिया है तो इतना पता नहीं चल रहा उनको क्या करना है, क्या स्टेटमेंट देना है। नहीं, उसके अलावा एक तो पता कुछ नहीं, दूसरा डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, फुद्दू समझता है ये प्लेयरों को। बात तो सही है ना, एक एवरेज प्लेयर था टेस्ट में, आपने इसको सिर्फ पीटीवी में पड़ा पड़ा करने पे आपकी जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी है, एक तो वो हर एक को नौकरी दे देता है, जरा सा कोई आवाज उठती है ठक नौकरी मिल जाती है। और अंकित शर्मा साहब, बाकी देखें हफीज की जगह पे कोई और भी होता तो आई डाउट कि पाकिस्तान कुछ बहुत अच्छा कर लेता ऑस्ट्रेलिया में। और आपके जहां तक सवाल है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो बाकी कौन से हमारी टीम में डॉन ब्रैडमैन भरे हुए हैं, सारे ज्यादातर इसी तरह की हैं, एवरेज प्लेयर ही, अभी भी खेल रहे हैं, पहले भी खेलते रहे, तो कोई बहुत कोई वर्ल्ड बीटर तो है नहीं कि जो इस पे फिंगर उठाएंगे कि भाई ये तो एवरेज प्लेयर हमारा कोच बना दिया है, तो उसने वैसे कौन सा बल्ला पकड़ के बताना है, सिखाना है इस लेवल पे। और ओवरऑल जो है अच्छा होता है कि कोई जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो उसको मौका देना चाहिए। ये अभी साल डेढ़ साल पहले जो खिलाड़ी खेल रहे हैं टीम में, उनको इतनी बड़े पोजीशन पे ऑल ऑफ अ सडन मौका नहीं देना चाहिए, 5-6 साल का गैप होना चाहिए। और अभी 2 साल पहले ये बाबर आजम की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेला, वो आखिरी वर्ल्ड कप था, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप एकदम से डाउन को डाल दें यार, थोड़ा गैप होना चाहिए। आईडी साहब कह रहे हैं कैचेस विन मैचेस, सिंपल इज दैट, डिसअपॉइंटेड आल्सो, डोंट नो व्हाई पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग शुभम एंड बाबर विद किंग, आई डोंट नो व्हेन इज द लास्ट टाइम दे परफॉर्म्ड मैच विनिंग इनिंग्स। मैचेस विन मैचेस, कैचेस विन मैचेस, एब्सोल्युटली इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं, और ये साबित भी हो गया। हैड अब्दुल्ला शफीक टेकन दैट अपॉर्चुनिटी तो क्या से क्या हो सकता था, मतलब मजे आ सकते थे आपको टोटल, शायद के वो 160 70 150 200 के नीचे नीचे का टोटल मिल जाता। अब वो अपने 76 करके गया तो दूसरे ने भी तो 7 रन किए ना उसके साथ, वो भी तो खेलता रहा ना, एटलीस्ट 100 रन का टीका लगा।
100 रन का टीका एक कैच छोड़ने से, तो बस फिर आप फिर देख लें कहां से जाके बात कहां पे रुकी है। और बाकी आपने कहा 100 रन का नहीं जी, मैं समझता हूं 242 रन का टीका लगा, क्योंकि अगर ये 46 पे 5 उठ जाते तो मैं नहीं समझता ये 200 रन भी कर पाते, मैं नहीं समझता ये। हाँ तो 150 कर लेते, वही कह रहा हूं ना, मतलब पौने 200 कर लेते, ये कभी भी 316 रन ना होते रिजवान हैदर साहब, और 150 करते और यही आपकी 50 की लीड भी डल के 200 हो जाते हैं। यही कह रहा हूँ ना, लीड डाल के कह रहा हूँ, यही आपकी औकात थी 200 225 रेड लाइन थी, मैंने आपको कल भी रेड लाइन कहा था। लगा ना फिर 250 का कैसे लगा, 200 पे मैं कह रहा हूँ 244 का टीका लगा, वो इसलिए कि उसके बाद नहीं देखे, जरा ऐसा मेरी बात को ना अगर आप थोड़ा सा तहमुल से सोचेंगे तो मेरी बात में वजन आपको नजर आएगा। देखे अगर 46 में 5 आउट हो जाए, पीछे कैरी आ जाता स्मिथ के साथ, रिजवान अदर कुछ भी हो सकता था, मतलब 50 की लीड डाल के भी मैक्सिमम मैक्सिमम आप समझे कि ये 150 और बनाते, 50 की लीड 240-50 तक जाते। तो वही ना कि 100 का टीका लगा ना फिर, तो 100 का टीका मैं आपकी बात रखने के लिए कह रहा हूं कि यार अब आपने की, आप कहेंगे यार क्या, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर वहां पे वो क्या जो वो तो कोई गली का बच्चा पकड़ ले वो भी पकड़ लेता, अगर वो कैच पकड़ा जाता रिजवान हैदर, ये स्कोर कभी भी 250 का हमें टारगेट ना मिलता। 250 का तो नहीं, 317-16 का मिला, और कैच पकड़ लेते तो 200 यार 250 मतलब और बनाना 50-55 तो वो पहली इनिंग्स का भी बीच में डल जाता है ना, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। हाँ यानी 150 तक आउट हो जाते, 150-200 तक आउट होते, 225-250 का टोटल ओवरऑल टारगेट होता हमारे पास, वही ना 100 रन एक्स्ट्रा और दिए इसने। खेलेगा जी अगला मैच है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैच सैम अयूब डेब्यू करेगा। इंदर सैनी नेक्स्ट मैच में वसीम सैम खेलने चाहिए और खेलेगा, बाहर जाना चाहिए, खिलाना चाहिए, एब्सोल्युटली। इमामुल हक इज डूइंग पैथेटिक जॉब, वैसे भी उसकी नई नई शादी हुई है, ये जाएं जाके जरा एंजॉय करें, जरा ये टीम के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, बुरा हाल है, तो साइम अयूब को मौका दें, इससे तो अच्छा ही कर लेगा, इससे अच्छा नहीं भी किया तो खैर है चलेगा, शायद के उसका इंटेंट तो नजर आएगी ना। रोहित बोला है कि वी विन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ड्रॉ इन इंग्लैंड, भाई साहब ने तो इनके पास पंत ही नहीं है, पुजारा ही नहीं है, कैप्टन कोहली, पंत ने तो इंग्लैंड में भी लास्ट टेस्ट भी जितवाया था, बॉलर्स ने हरवा दिया, रोहित पुट रन्स, एसजी स्पोर्ट्स साहब। रोहित ने कहा है हमने ऑस्ट्रेलिया में जीता है, इंग्लैंड में ड्रा किया है, एक आध मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम अच्छी है, बात तो फिर वही आ जाती है, रोहित शर्मा अब फुल फ्लैज कप्तान बन के सीना कंट्री में गए हैं अब। चलो वो कह रहे जी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम क्या बोले, ठीक है फिर नहीं फर्क पड़ता होगा, एक इनिंग से हारने का 32 रन भी, हाँ 32 रन भी। रोहित वर्मा कह जनाब कैफ का वर्ल्ड कप पेपर टीम, अभी कुछ नहीं बोला उसने, किसने बोला, गेम स्टार्ट 70, अगर शान बाबर 60 और 40 को 80-80 में कन्वर्ट कर लेते तो मैच जीत जाते, एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, बाबर जस्ट नीड टू रिमेंबर कोहली एडवाइस, कोहली की एडवाइस तो याद उसको रखनी चाहिए, रन्स करने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, और ये बात हम कह चुके हैं, शान मसूद 60 को 100 कर देता या ये 40 को 80 कर देता तो बाकी बड़ी पॉसिबिलिटी थी, जितने रन्स
आगे पाकिस्तान लेके जाता और जितने रिक्वायर्ड रन्स नीचे आते तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे पड़ता रहता। रिजवान जैसे ही आउट हुआ है उससे कुछ लम्हा पहले रिक्वायर्ड रन्स हो के नीचे आए हैं तो एक एहसास हुआ है कि यार अब 100 से नीचे काम रह गया। तो ये वाली फीलिंग अगर लेके आते हैं ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई भी 40-40 या 50 रन एक्स्ट्रा कर देते तो वहां तक नौबत शायद पहुंचते ही नहीं, बट अब नहीं किया। 79 रन से आप हार गए हैं, तो अगर इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता, लंबे रन कर देता, ट्रिपल फिगर में अपने रन ले जाता, टीम का भी फायदा होता, अपनी भी बल्ले बल्ले हो जाती, मैच भी जीत जाते। अब नहीं किया। सिडनी पाकिस्तान जीतेगा इफ दे विन, विल गो विद स्पिनर्स। जी एक अभी उसको इब्रार को ठीक करें, मेरे ख्याल में अब ठीक हो जाना चाहिए, कोई उसको डाले वो ठीक है इब्रार। उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तहत नहीं खिलाया ये वाला टेस्ट मेलबर्न का। हाँ तो अब ठीक करें उसको, डालें उसको प्लेइंग 11 में, स्पिन को पिच असिस्ट कर रही है। एक बॉलर को अब देखें क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं, या एक को रेस्ट करवाएंगे फास्ट बॉलर को, स्पिनर को डालेंगे, या कॉम्बिनेशन क्या है इनका, लेट्स सी। इमाम को तो खैर छुट्टी कराएं, ऊपर से साहिम अय्यूब को डालें और वो करेंगे। बाकी आगा की जो परफॉर्मेंस है मैं तो समझता हूँ सेटिस्फैक्ट्री है, उसको बाहर नहीं करना चाहिए। और अब देखना ये कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या 4 के साथ जाएंगे या क्या कॉम्बिनेशन रखेंगे। सिडनी में 4 फास्ट बॉलर रिजवान साहब कैसे होंगे? हाँ तो एक हसन अली मोस्ट लाइकली बाहर चला जाएगा, तो फिर अब उसकी जगह पे इब्रार आ जाएगा। स्मिथ गेंज में बाबर ऑफ फील्ड बिहेवियर इज एक्सीलेंट, ही बिहेव्स इन अ डिग्निफाइड मैनर अनलाइक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड पीसीबी ऑफिशियल्स, होप ही प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग बाय हिज बैटिंग। देखिए जी बाहर चलो बड़ा अच्छा है, तो हमने तो ये इस बारी तारीफें बता के उसकी मतलब कोई लड़की तो नहीं ना ढूंढनी उसके लिए रिश्ता कराने के लिए कि अभी शादी शुदा नहीं है तो जी बाबर आजम बहुत अच्छा बच्चा है, मंगनी तो हो चुकी है ना, मंगनी तो हो गई है, तो रिश्ता तो हमने नहीं ढूंढना, वो भी मौसम भाई बता रहे हैं मंगनी हो चुकी है, इंगेजमेंट हो चुकी है। तो डिग्निफाइड मैनर अच्छा है, बाहर बातचीत करने में हम्बल है, अच्छा है, सब मामला ठीक है। भाई हमें तो चाहिए रन्स फील्ड में, बाहर थोड़ी बदमाशियां शरारतें कर ले, लेकिन रन्स फील्ड में हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। बाकी तो जो आप उसके नेचर और बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो तो बाकी बड़ा अच्छा है, बीबा बच्चा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की जीत को कोई आज उन्होंने एक्स्ट्रा रन तो नहीं दिए ना कि बाबर आजम के बिहेवियर की वजह से। हमें तो चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस और उसके बल्ले से रन वो आने चाहिए। जमील मोहम्मद साहब है, लिखा नहीं है इन्होंने कुछ। बिलीव शेफ जट कह रहे हैं पाकिस्तान टीम हैड टू विन इट फॉर मीर हमजा, हरक्यूलन एफर्ट है जनाब, बेल्स फ्लाइंग टफ टू फ्लाई स्टंप्स विद 120 की स्पीड से। ये आप तारीफ कर रहे हैं या आप उसको छेड़ रहे हैं 120 की स्पीड के आगे? पहले लाते तो बॉलिंग पे तो 260-270 होते, पहले क्या मैच से पहले ले आते, नहीं पहले क्या मतलब मैच से पहले शुरू होने से पहले लगाते, ओ भाई अटैक तो करवाया उससे शाहीन के साथ, और क्या करे, सब अच्छे ओवर देता रहा शान मकसूद उसे, और क्या मतलब पहले क्या मतलब क्या पहले लाते, ओ भाई खुर्रम शहजाद इससे 10 दर्जे अच्छा बॉलर था, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गया। देखो मुझे पसंद आया मीर हमजा, आपका जो भी नाम है भाई, लेकिन पाकिस्तान हैड टू विन फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर, आपने कहा मीर हमजा के लिए, तो मीर हमजा के लिए या भाई रिटायरमेंट का ऐलान थोड़ी कर रहा है, दूसरा तीसरा उसका मैच है तो भी उसके लिए क्या जीतना है। और उधर अफगानिस्तान ने रिजवान साहब पहले T20 में शारजा में खेला गया, हरा दिया अपना इनको 72 रन से यूएई को, टॉस जीत के यूएई ने अफगानिस्तान को खिला दिया, गुरबाज ने 100 ठोक दिया, कप्तान इब्राहिम सरदार ने 59 ठोक दिया, 203 था जवाब में ये 131 कर सके, 4 विकेटों के नुकसान पे शारजा में, सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे 131।
और न्यूजीलैंड बांग्लादेश का जो मैच था वो रेन आउट हो गया. Nobody addressing and accepting mistake. सब अपना जॉब बचा रहे हैं. Even ground fielding was pathetic. Azam and Shaheen are overhyped. Kohli better than Rohit as test skipper. Saurabh सब कह रहे हैं. ठीक है. रिजवान भाई 100 रन्स का टीका नहीं. फर्स्ट इनिंग में छोड़ा था वार्नर का तो 90 की पार्टनरशिप पहले पकड़ लेता तो सारे प्लेयर्स न्यू बॉल के सामने आते फर्स्ट इनिंग में. नहीं मैं तो दूसरी इनिंग की बात पहली इनिंग में भी उसी ने छोड़ा था अब्दुल्ला शफीक. राज सब कह रहे हैं जी क्या हाल है भाई. बाबा नीड्स अ ब्रेक. हाल तो भाईजान पूरी पाकिस्तान टीम नीड्स अ ब्रेक. पूरा पीसीबी नीड्स अ ब्रेक. हमारी कॉम को एक ब्रेक की जरूरत है जी. राज भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? और अमेरिका शमेरिका सब ठीक चल वहीं पे ही जहां पे था पहले या कोई थोड़ा हिल उल गया? थोड़ा सा हिला. वर्ल्ड कप T20 होना है तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरफ ले गया अमेरिका को कि इस तरफ ज्यादा था इधर ले गया थोड़ा सा. हाल ठीक ही है. अच्छे हो सकते थे बहुत अच्छे हो सकते थे बड़े खुशगवार हो सकते थे. हैप्पी न्यू ईयर हम हैप्पी हैप्पी मना सकते थे अगर ये बाकी के 80 रन आ जाते. तो बस इस अब इसी भी खुश है कि चलो मुकाबला किया थोड़ा सा हमने मैच हार गए तो हाल ठीक ही है बस गुजारे जो गई है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन शाहीन एज कैप्टन पूछ रहे हैं जी आपसे ये फैन. माय थॉट्स आर पकोड़ा खाए और मौज मनाए आज. रिजवान साहब आपके लिए कड़ी बनवाया हूं मैं. वाह 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 पकोड़े खाए मजे कर रहे हैं. देखें ऑन अ सीरियस नोट शाइन विल डू वेल इन द न्यूजीलैंड T20 सीरीज. अच्छा जी आपकी बात का बड़ा मजा आया है समीर साहब को कि मीर को क्या मैच से पहले बॉलिंग दे देते तो उन्होंने आपका ये जुमला कह रहे हैं बहुत फनी लगा है मजा आ गया जी. भाईजान अभी तो बहुत सारी मजे की चीजें मैंने बताई नहीं जैसे के लोटे होते हैं लोटे. ये जो हफीज है ना ये वो लोटा है जिससे दो लोटे होते हैं एक से वजू किया जाता है वो पाक होता है एक होता है जिससे दूसरा मतलब समझ रहे हैं आप. ये वो लोटे है मसूफ हमारे लिए. नहीं नहीं ये कोई फनी बात नहीं की आपने पहले वाली फनी थी. मतलब लोटा ना फनी नहीं है. आप बाथरूम में बगैर लोटे के जाके दिखाए मुझे वो जाके दिखाए पे अ लिटिल बिट ऑफ लक. एक एक वन वन वाज ऑन जी एब्सोल्युटली. थोड़ी लक थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी जुस्तजू और होती तो शायद के नतीजा भी कुछ और हो जाता. करीब आए हैं लेकिन करीब आना ही इज नॉट गुड इनफ. Hope to see you both in 2024 World Cup here. हमारे घर ही रहना जी आप. राज साहब आपका बहुत शुक्रिया. राज साहब न्यूयॉर्क में रहते हैं. ये कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में है पाकिस्तान का मैच. चलो मुझे नहीं पता बताया था इन्होंने कोई मैं भूल जाता हूँ. अमेरिका में किसी स्टेट में रहते हैं. तो बहुत शुक्रिया जी आपके मोहब्बत भरे मैसेज का. रिजवान साहब ये ना हम जाए वहां पे और आप भूल जाए जाना हमने कहा और ले आप कहीं और जाए मेहरबानी करना यार. आप यार आप मैं तो कभी अमेरिका गया नहीं. अगर मैं गुम हो गया तो क्या होगा? हाँ मैं रोज सुबह सुबह उधर से ही जाके होके आता हूँ. भाई जब आप कहते हैं यूरोप में रहते हैं ना तो सर अमरीकियों के करीब रहते हैं तो राज भाई इंशाल्लाह गए तो जरूर मुलाकात होगी. थंडर बॉक्सिंग कह रहे हैं I very much enjoyed Bosun Bhai's batting masterclass of Bobsy this morning. Could we please see more? Ji, agle match mein agar wo is tarah bold hua to phir mazid Bosun Bhai elaborate karenge zyada acche tarike se aapko. Dekhe ek baat mein zara Rizwan sir ek baat zehen mein rakhe na maine use batting technique sikhai
ना मैंने उसे बल्ला पकड़ना सिखाया, I just show you what was the reason. Those who were saying peach of a delivery, I showed them what was the main reason. दोनों इनिंग में पीछे पर डिलीवरी साली एक ही जैसी, सिर्फ बॉलर दो मुख्तलिफ थे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। और जब मैं बल्ला पकड़ता हूं ना तो पता चलता किसी ने क्रिकेट कभी खेल लिया, वरना तो ना। मोहसिन भाई बहुत अपनी तारीफें करते हैं खुद ही यार आप। भाईजन तारीफ नहीं, बल्ला पकड़ने का कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, मैंने साफ किया है कि डॉन ब्रेडमैन यार। भाई डॉन ब्रेडमैन, अब आप कह ले तो ठीक है, आप कह सकते हैं मुझे, मैंने ये कहा है। देखिए ये बात है, समझेगी, बैट पकड़ने से पता चलता है आपने इसके छोले या मछलियां तो नहीं कहीं पकड़ते रहे हैं, अब पकौड़े कहीं थूक में तो नहीं तलते रहे, यह वाकई बैटिंग की है यार। पकोड़े खाते हो तो बंदा कोई अच्छी एग्जांपल देता है, थूक और पकोड़े खाए भी जा रहे हो साथ साथ। भाई जान मैंने तो नहीं तले ना, तो मेक श्योर कर ले कि किस में तल के आए। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। न्यूयॉर्क में रहते हैं जी राज साहब। वाह भाई, बस काम बन गया, बता रहे हैं जी। समीर कह रहे हैं मौसम भाई रिज अब गोरे हो गए जरा, इंग्लैंड में लोटा नहीं चलता। नहीं हमने बंदोबस्त किया हुआ है। व्यूअर्स आज की मौसम भाई क्या ख्याल है, मौसम भाई पकोड़े खाओ, हा हा हा, वाह वाह वाह, चलो जी आप खुश हो गए हैं, यही अच्छी बात है। नहीं देखे, हम जहां भी चाहे हमें लोटा चाहिए होता है। हाँ, बस हम कर लेते हैं। ललित यार तुम क्या स्पैम करी जा रहे हो कि रिजवान अपनी टीम कंट्री का बताओ, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में भी हार रहा है, तो मेरी तरफ से वो सारे मैच हार जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है, अभी अजय ने मैंने कड़ा पासपोर्ट दिता है। जब पासपोर्ट दे देंगे तो फिर शायद थोड़ी सी फीलिंग डेवलप हो जाए, फिलहाल तो हमारे पास इनका पासपोर्ट नहीं है, तो बेशक हार जाए हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स इट जी दोस्तों, फिर अभी इजाजत ही चाहते हैं आपसे दुखी दिल के साथ, करीब आए थे हम शायद के चमत्कार हो जाए, मौजा हो जाए, थोड़ी सी रोशनी एट द एंड ऑफ टनल नजर भी आई, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचे तो लैंडस्लाइडिंग हो गई और टनल बंद हो गई। नहीं नहीं, आपको रोशनी लग रही थी वो असल में मोबाइल की टॉर्च थी, वो जैसे ही मोबाइल की बैटरी बंद हुई रोशनी भी बंद हो गई, बस ऐसे ही हो गया। मौसम मजाक के मूड में है, बिगेस्ट जोक शहजाद मीर परफेक्ट इन द प्रीवियस मैच, मैग्रा की क्या पेस थी पहले लाने का मतलब है आज सुबह स्टार्टिंग में ही में ले आते। अरे शोएब जट साहब, हमेशा बंदे को बां-बां टां-टां गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी कभी इंजॉय भी करना चाहिए। मेरा भाई खुर्रम बहुत अच्छा बॉलर है, आप देख लीजिएगा पाकिस्तान का फ्यूचर मीर हमजा नहीं खुर्रम शहजाद होगा, अल्लाह खैर करे, टच वुड उसको इंजरीज ना हो। यार इससे ना निकलना चाहिए हमें, आप जो फैंस आप जो हैं एक एक दो दो मैच खेले हुए कि उनके वो अच्छा उससे है, वो उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, मतलब मैच जीत जाए सारे अच्छे हैं। चलो फिर दोस्तों आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अब अगले साल में ही है मैच पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, तो एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। पूरे तीन दिन, तीसरा दिन जाके होगा। और रिजवान साहब आपको मुबारक हो, आपकी जो और मेरी जो सख्त तरीन ड्यूटी थी उसमें तीन चार दिन की छुट्टी मिल गई क्या, बैटरी रिचार्ज कर ले नहीं तो पाइप टूट दे हम। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
Thank you.